कोरोना महामारी के दरमियान किसी भी पक्षी का मांस खाना आपको महंगा पड़ सकता है, इसीलिए कम से कम मुर्गा मुर्गी या अन्य किसी पक्षियों का मांस खाना तो आप छोड़ ही दीजिए। ऐसा नहीं है कि मुर्गा मुर्गी या किसी पक्षी का मीट खाने से किसी को कोरोना होने की संभावना रहती है, बल्कि स्वाइन फ्लू ने बिहार में अपना पैर पसार लिया है और स्वाइन फ्लू वाला पक्षी का मीट अगर आप गलती से भी खा लेते हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि पूर्णिया सीएस मधुसूदन प्रसाद ने कोसी आलोक से बातें करते हुए कही। उन्होंने कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन में घर से बाहर न निकलें। इस दरमियान पूछे गए सवाल पर पूर्णिया सीएस ने कहा कि पूर्णिया परमंडल में अभी तक एक भी कोरोना के मरीज नहीं पाया गया है। जो भी सस्पेक्टेड लोग बाहर से आए हुए थे सभी की जाँच हुई है और अभी तक सभी का रिजल्ट नेगेटिव ही आया है। इसके बावजूद आशा कर्मियों एवं ANM और आंगनबाड़ी सेविकाओं को बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखते हुए जानकारी विभाग को देने के लिए आदेश दिया गया है और जहां से भी सस्पेशन वाली बातें आ रही हैं उसकी जांच कराई जा रही है, किंतु 31 मार्च तक पूर्णिया परमंडल में एक भी केस सामने नहीं आया। किंतु इसके बावजूद पूर्णिया सीएस ने लोगों से सतर्क रहकर भीड़ भाड़ वाले इलाके से परहेज करने की अपील की। पूर्णिया जिला में तो अभी एक भी पॉजिटिव केसेज नहीं है। हम लोग जो विदेश से आए हुए हैं तो जो सिम्टोमेटिक मरीज है उनका सैंपल कलेक्ट करके उसको RMRI पटना भेजे हैं और 4 केस जो पहले भेजा गया था उसका रिपोर्ट भी आ गया है, वो निगेटिव है। अभी तक कोई पॉजिटिव केसेज नहीं। सर आज भी कुछ लोग आए थे जांच के? हाँ, जांच के लिए आए हैं, उनका सैंपल लिया जा रहा है। प्रथम दृष्टया में सर ऐसा कुछ सस्पेक्टेड नहीं है? वैसा कुछ नहीं है अभी तक, ऐसा स्थिति नहीं सर नहीं। आप तो सर 4 जिला देख रहे हैं सर, 4 जिला का तो पता दीजिए। हाँ, वही स्थिति है 4 जिला का। अभी इस इलाके में ऐसी कोई शिकायत? हाँ नहीं, कोई शिकायत। सर जो स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं वो अभी तक किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं दोनों चीज़ों को? स्वास्थ्य कर्मी लोगों का ऐसा है कि ओवर 3000 या तो अदर देन स्टेट या अब्रॉड विदेश से लोग आए हुए हैं, तो उनको 2 तरह का आइसोलेशन किया गया है। जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको घर में रहने की सलाह दी गई है और जो सिम्प्टोमेटिक हैं उनके लिए स्कूल या सामुदायिक भवन या कोई सार्वजनिक स्थल जहाँ की लोग 20-25-100 की संख्या में रह सकते हैं वो चिन्हित किया गया है हर जगह। तो और उन सभी लोगों के साथ एक ANM और एक आशा को टैग किया गया है जो हर दूसरे दिन इसकी खबर स्वास्थ्य विभाग को देती है। यदि ये सिम्टोमेटिक पेशेंट को 14 दिन के अंदर कोई सिम्टम डेवलप करता है तो फिर उसको हम लोग फर्दर जांच वगैरह करेंगे। होम आइसोलेशन और कम्युनिटी आइसोलेशन में रहना ये आज का तगाजा है और यदि ये नहीं होता है तो फिर इसका अंजाम भी भुगतने के लिए हम लोग को तैयार रहना है। और जागरूकता के लिए हर स्तर से, प्रशासन के स्तर से, स्वास्थ्य विभाग के स्तर से, PRI मेंबर के स्तर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पंपलेट, पोस्टर, होर्डिंग सारे चीज लगाए गए हैं, माइकिंग हो रहा है। लोग, सबसे बड़ी बात है जागरूकता के साथ साथ पैनिक हो गया है। आजकल कॉमन फ्लू चला हुआ है, थोड़ी सी भी सर्दी खांसी होती है तो लोगों को लगता है कि हमको कोरोना ही हो गया है, इशारा उधर चले जाता है। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिलहाल बिहार में मात्र 15 केसेज अभी कोरोना के पॉजिटिव निकले हैं जिसमें कि एक का डेथ हुआ है। तो अभी स्थिति बिहार में भी अंडर कंट्रोल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो जिस मशीन की बात कर रहे हैं वो इंफ्रारेड थर्मामीटर है जी। वो बिना शरीर में सटाए हुए उससे आपके बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है। चूँकि कोरोना में प्रथम लक्षण है कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो पहला तो यही है कि किसी का यदि तापमान बढ़ गया है तो फिर यदि अन्य लक्षण हैं तो हम लोग उस स्तर पर सोचते हैं कि उसको ट्रेवल हिस्ट्री है
या इन्फेक्टेड कोरोना पेशेंट से कांटेक्ट का हिस्ट्री है, या फिर जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है वहाँ कोरोना का पेशेंट है, इसके आधार पर हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि स्वाइन फ्लू भी पट्टा वगैरह में का केस निकला है, तो ऐसी स्थिति में पक्षी का भक्षण ना करें वो ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा। सर कई कई जगह सर ये देखा जा रहा है कि लोग भीड़, मैं पक्षी की बात कर रहा हूँ, सर लॉकडाउन को नहीं मानेंगे तो उसकी खामियाजा तो किसको भुगतना होगा, समाज को भुगतना होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि लोगों को यह भी पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से इन्फेक्शन लिया, तो सावधानी काफ़ी जरूरी है। बिल्कुल सावधानी ही इसका इलाज है और इसका बचाव है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपने नर्सिंग ही क्यों चुनी? मेरी ख्वाहिश है, काफी इंटरेस्टिंग है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि पूरी तरह से सेवा भाव पर आधारित है। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। AGL redefines glamour with its ultra glamorous Grastec Double XL is ideally suitable for hotels, restaurants. फर्श पर खिलती है, दीवारों पे सजती है। कॉन्टेक्ट नंबर 9470022188।